हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। इनिशियल टेंशन क्या होता है ये हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये है ड्राइवर पुली, को हम लोग बोलते हैं ड्राइवर। और जो सेकंड जो पुली है इसको हम लोग बोलते हैं फॉलोअर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रीवन। अब यहां पे क्या होता है कि जो ड्राइवर पुली का जो पावर है वो डिलीवर करता है, ठीक है, और ये फॉलोअर जो है उसको फॉलो करता है, ठीक है। दैट मींस क्या हो रहा है कि यहां पे पावर जो है ट्रांसमिट होता है ये ड्राइवर पुली टू ड्रीवन पुली विद द हेल्प ऑफ, ये जो लगा हुआ है बेल्ट से कनेक्ट होता है, ये है बेल्ट, बेल्ट से कनेक्ट होता है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो ड्राइवर जो पुली है, अगर ड्राइवर पुली अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो ये जो ड्रिवन जो पुली है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। दैट मीन्स क्या होता है कि जो ड्राइवर पुली है और जो फॉलोअर है दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। अब क्या होता है कि जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूव करता है तो ये जो बेल्ट है वो यहाँ से ये क्या होता है, खींचता है। जब ये खींचता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइट साइड बोलते हैं, टाइट साइड बोलते हैं। और यहां से क्या हो रहा है कि जो आपका पावर है यहां से क्या हो रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक साइड, स्लैक साइड। अब क्या होता है कि टाइट साइड इस बेल्ट में जो टेंशन होता है जो लगता है बेल्ट में वो क्या होता है, ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्लैक साइड। अगर हम यहां पर टेंशन यहां पर टी वन मान लेते हैं टाइट साइड का, और स्लैक साइड का टेंशन यहां पर T2 एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां पर होता क्या है कि टेंशन ऑन टाइट साइड इज ग्रेटर देन टेंशन ऑन स्लैक साइड, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि जब ये मूवमेंट में होता है, जब ये ड्राइवर पुली घूमेगा तो ये ड्रिवन पुली भी घूमेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे टाइट साइड और इसको हम स्लैक साइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो आपका जो पुली जो सरफेस है और ये जो बेल्ट है इसके बीच में क्या होता है, ग्रिप होता है, ठीक है। ये जो मूव करता है तो दैट मीन्स ग्रिप होता है, या इसको हम बोल सकते हैं ये फ्रिक्शन यहाँ पे होना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इसके कारण क्या होता है, पावर यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये तो मूव कर रहा था तो हम इसको इस तरीके से बोल रहे हैं, बट क्या होता है कि जब ये ड्राइवर और ड्रिवन पुली जब ये स्टेशनरी रहेगा, ठीक है, जब स्टेशनरी रहेगा तो उस कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल टेंशन। जब क्या होगा कि जब स्टेशनरी होगा ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली जब स्टेशनरी रहेगा उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल टेंशन बोलते हैं। वहां पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, इनिशियल टेंशन होगा, और इनिशियल टेंशन को हम लोग TO से डिनोट करते हैं। इनिशियल टेंशन को TO से डिनोट करते हैं, टाइट साइड को T1 से डिनोट करते हैं, और जो स्लैक साइड है उसको T2 से डिनोट करते हैं। अब हम लोग यहां पे एक चीज निकाल रहे हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पे अल्फा एक चीज हम लोग लेते हैं, अल्फा। अल्फा क्या है कि कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज ऑफ द बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स, पर यूनिट फोर्स। मैंने यहां पे क्या लिया, यहां पे अल्फा लिया है कि अल्फा क्या है कि इंक्रीज ऑफ द बेल्ट लेंथ। अब यहां पे क्या होगा कि हमने बोला कि जो जो ड्राइवर जो पुली है इसका जो सरफेस होगा और बेल्ट के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, मतलब यहां पे क्या होगा, ग्रिप होना जरूरी होता है, तभी को पावर क्या होगा, वो आगे ट्रांसमिट होगा वन पुली टू अनदर पुली। तो हम लोग यहां पर जो ले रहे हैं कि आप क्या अल्फा जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कॉफिशियंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स में ले रहे हैं यहां पे। अब हम बात करते हैं यहां पे कि यहां से कि इस केस में यहां से जो आपका जो जो यहां पे जो लगेगा आपका टेंशन, ऐसे इसको लिखते हैं, इंक्रीज इन टेंशन, इंक्रीज इन टेंशन ऑन टाइट साइड, ऑन टाइट साइड।
हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जो जो टाइट साइड है, यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो टेंशन, सबसे ज़्यादा टेंशन किस में लगता है, टाइट साइड में। यहाँ पे ये जो बेल्ट है, यहाँ पे टेंशन टाइट साइड में लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, टेंशन टाइट साइड माइनस वो किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ निकाल रहे हैं कि इंक्रीज इन टेंशन ऑन टाइट साइड के केस में, तो टी वन, और इनिशियल टेंशन हमारा क्या है, टी नोट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी नोट, या इसको हम टी ओ वही बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब अल्फा से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, पर यूनिट फोर्स। उस कंडीशन में हम लोग जब निकालेंगे, यहाँ जब अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स, उस कंडीशन में। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि डिक्रीज डिक्रीज इन टेंशन ऑन स्लैक साइड, इसके केस में है ना, डिक्रीज कितना टेंशन किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन टेंशन ऑन स्लैक साइड। अब यहां पे क्या होगा, अगर हम स्लैक साइड के केस में अगर अपन निकालेंगे यहां पे, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पे जो टेंशन होगा, जो इनिशियल टेंशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और स्लैक साइड में जो टेंशन लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे टी ओ माइनस टी टू। स्लैक साइड में जो टेंशन लग रहा है वो क्या, कितना लग रहा है, T2 लग रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे T2। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब हम अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस क्या हो गया कि डिक्रीज इन बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स। अब हम यहां पे एक चीज एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कि यहां पे ये जो बेल्ट जो लिया हुआ है, बेल्ट का जो मटेरियल है वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। अगर परफेक्टली इलास्टिक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे जो टेंशन लगेगा, ये जो लग रहा है टेंशन ऑन टाइट साइड और टेंशन ऑन स्लैक साइड, यहां पे जो लग रहा है, ठीक है, वो दोनों उस कंडीशन में क्या होगा, दैट मींस हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पे कि इंक्रीज इन टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड दोनों क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो उस कंडीशन में हम इसको क्या क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वल हो जाएगा, है ना, अगर टेंशन दोनों बराबर होगा तो। उस कंडीशन में जब हम इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए, अल्फा टी वन माइनस टी ओ इज इक्वल टू अल्फा टी ओ माइनस टी टू, ये होगा। अब यहां से देखिए, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अब यहां से क्या आएगा, टी वन माइनस टी ओ इज इक्वल टू टी ओ माइनस टी टू, ये आएगा। अब ये आएगा, अब इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, टू टी ओ इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, या इसको हम अगर लिखेंगे कि टी ओ इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू बाई टू। ये जो आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया फॉर्मूला, आ गया इनिशियल टेंशन का, कि इनिशियल टेंशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टी ओ इजकल टू टेंशन ऑन टाइट साइड प्लस टी टू क्या है, टेंशन ऑन स्लैक साइड डिवाइडेड बाय टू। ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब हम लोग यहां से एक चीज और हम लोग निकालते हैं कि हम जब न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम लोग जब मैक्सिमम जब यहाँ पे टेंशन निकालते हैं तो क्या होता है कि, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग जब टेंशन निकालते हैं, मैक्सिमम टेंशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टी वन प्लस हम लोग टी सी लेते हैं, ठीक है, और हम लोग जब निकालते हैं, ये टी वन ले रहे हैं टेंशन ऑन, मैक्सिमम टेंशन ऑन हम टाइट साइड भी जब कंसीडर करते हैं तो टी वन प्लस टी सी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर स्लैक साइड के केस में निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टी टू प्लस टी सी लेते हैं, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम टेंशन के केस में। तो ये हमें ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स में जब सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूला का भी यूज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इनिशियल टेंशन इन द बेल ड्राइव के केस में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।